ऑल अबाउट व्हील्स नंबर 9। इस न्यू सेशन में हम बात करेंगे इंडियन ऑटोमोबाइल्स के कुछ बेहतरीन न्यूज और अपडेट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं हाईलाइट से। टोशिबा डेंसो के जॉइंट कोलैबोरेशन में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपने गुजरात में सिचुएटेड प्लांट में इंडिया का सबसे पहला LiN बैटरी का प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करने के लिए सेटअप कर लिया है। 2017 की टोयोटा फॉर्चुनर TRD स्पोर्टिवो बहुत ही जल्द होगी आपके सामने। होंडा, टोयोटा और ह्यूंडई जैसी बहुत सारी कंपनीज ने इंडिया में इफेक्टिव कर दिया है GST में एडिशनल सेस ऐड करना। अब प्राइसिंग होगी कुछ और ज़्यादा। अब नई कार्स में कंज्यूमर्स को मिलेगा कुछ ज़्यादा का फ़ायदा, खास करके इंश्योरेंस में। रॉयल एनफील्ड इंडिया अपनी क्लासिक लाइनअप में 350 और 500 cc के बाइक्स में कुछ माइनर अपग्रेड्स लेके आ चुकी है। होंडा के स्कूपी और ग्रोम के रूमर्स हो सकते हैं बिल्कुल गलत। और TVS ने विक्टर के प्रीमियम एडिशन को किया है लॉन्च, जानेंगे इसके बारे में क्या है इसमें कुछ नया। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ऑल ईवी बाय 2030 में काम कर दिया है शुरू और इंडिया की सबसे पहली ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसके पास फिलहाल 2017 में है वाइडेस्ट रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जानेंगे कुछ थोड़ी सी डिटेल महिंद्रा के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। सो लेट्स गेट इनटू इट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने इस इनक्रेडिबल चैनल में इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ। मेरा नाम है जय दवे और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल ऑटोज TV। इस न्यूज सेशन को मैं बहुत ही जल्द शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम है इस चैनल में और फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि मैं ऐसे ही इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके आपके सामने आता रहता हूँ। तो अब शुरू करते हैं अपना न्यूज नंबर 1। दोस्तों 14th of September 2017 को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और जापान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शिंजो एबे ने गुजरात में सिचुएटेड मारुति सुजुकी के प्लांट में इंडिया का सबसे पहला लिथियम आयन बैटरी के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने का इनॉग्रेशन किया है। इस इनॉग्रेशन में मारुति सुजुकी और टोशिबा डेंसो जैसी बड़ी जापानीज कंपनी का जॉइंट कोलैबोरेशन रहेगा और इसका विजन जो है वो बहुत ही पर्टिकुलर रहेगा, जिसका मेन गोल रहेगा ऑल ईवी बाय 2030। यस दोस्तों, अब ये जापानीज कंपनीज इस जॉइंट कोलैबोरेशन में, जॉइंट वेंचर में क्या कमाल दिखाती है बाय 2030, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए कंपनी का मेन फोकस रहेगा वो है एक्सपोर्ट्स के लिए। अब एक इंटरेस्टिंग न्यूज है टोयोटा फॉर्च्यूनर के फैंस के लिए। यस दोस्तों, टोयोटा फॉर्च्यूनर में अब नया अवतार आने वाला है जिसका नाम है TRD स्पोर्टिवो। टोयोटा फॉर्च्यूनर TRD स्पोर्टिवो में बहुत ही स्टाइलिश, रॉक सॉलिड और स्पोर्टियर लुक के साथ अब बहुत ही जल्द होगी आपके सामने। दोस्तों इस कार का टू व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरियंट इंडिया में 31,46,000 एक शोरूम मुंबई की अप्रोक्सीमेट प्राइसिंग से लॉन्च हो चुका है। इस कार की खासियत यह रहने वाली है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर में यहाँ पे ब्लैक कलर का ज़्यादा यूज़ किया गया है। एक्सटीरियर की अगर बात करें तो जहाँ पे आपको पहले क्रोम फिनिश जो स्टैंडर्ड मॉडल में देखने को मिल रहा था, उसके बदले अब आपको देखने को मिलेगा ब्लैक फिनिश, और उसी के साथ साथ यहाँ पे ब्लैक एंड सिल्वर एलॉय व्हील्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एडिशनली एक्सटीरियर में ही TRD के लोगो डोर्स और ग्रिल पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और वो भी रेड एंड ब्लैक कलर के रहने वाले हैं। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे इंटीरियर में भी ऑल ब्लैक इंटीरियर का यूज किया गया है। फ्लोर मैट से लेके डैशबोर्ड से लेके सारी चीजें जो भी आपको दूसरे कलर्स में देखने को मिल रही थी वहां पे अब यूज हुआ है ब्लैक कलर। तो ऑल ब्लैक कलर के स्पोर्टियर लुक के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में ये कार अभी आपको मिलने वाली है। दोस्तों मेरे दिमाग में इसी के साथ और एक एडिशनल क्वेश्चन आ चुका है कि 31 लाख 32 लाख जैसी एक शोरूम प्राइसिंग के साथ ये कार, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जीप कंपास और फोर्ड एंडेवर जैसी टफेस्ट कंपटीशन को बीट करने में एलिजिबल हो सकती है इस छोटे से अपग्रेड के बाद? आपको ऐसा क्या लगता है कि ये फॉर्च्यूनर TRD स्पोर्टिवो जो है वो जीप कंपास और फोर्ड एंडेवर की टफेस्ट कॉम्पिटिशन में
टिक पाएगी या तो बीट कर पाएगी? मुझे आंसर जरूर बताइएगा। दोस्तों एक साइड जो है वो नए मॉडल के लॉन्चिंग में पड़ी है सारी कंपनियां, और दूसरी साइड में नए और एग्जिस्टिंग दोनों मॉडल्स के नए प्राइसिंग में पड़ी है कंपनियां। क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि जीएसटी काउंसिल में मिड साइज, लार्ज कार और एसयूवी में जो एडिशनल सेस ऐड किया है उसकी वजह से अभी प्राइसिंग जो है वो तो बढ़ने ही वाली है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कंपनी के लिए पुरानी प्राइस में कार्स कस्टमर को प्रोवाइड करे या तो नई प्राइस में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां जैसे कि टोयोटा है, होंडा है, ह्युंडई है, इन कंपनीज ने अपने बहुत सारे मॉडल्स में नए प्राइस ऑलरेडी इफेक्टिव कर दिए हैं। यहाँ पे जीएसटी काउंसिल के नए रूल के मुताबिक मिड साइज की कार में जो 17% जीएसटी था उसमें 2% का एडिशनल ऐड कर दिया है टैक्स, और ऐसे ही लार्ज कार्स में जो 20% था उसमें 5% एडिशनल ऐड किया है, और उसी तरह एसयूवीज में जो फ्लैट 28% का ऑलरेडी टैक्स था उसमें 15% का एडिशनल टैक्स का बोझा डाल दिया है कंज्यूमर्स के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे आईआरडीए ने अब सारी इंश्योरेंस कंपनीज को एक छोटी सी परमिशन दे दी है। वो परमिशन में कुछ इस तरह से मेंशन किया है कि अब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी कंपनी की डीलरशिप से, यानी कि कोई भी कार कंपनी की डीलरशिप से, कोई भी कार कंपनी से टाइप किए बिना अब रिस्पेक्टिव कार कंपनीज के कार बायर्स को कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी या तो रिन्यूअल प्रोवाइड कर सकता है। और यहाँ पे एडिशनल एक इंटरेस्टिंग बात तो ये रहेगी दोस्तों कि अब कंपटीशन इंश्योरेंस कंपनीज की भी बढ़ जाएगी, और इसी वजह से डीलरशिप और कस्टमर्स दोनों का बेनिफिट रहेगा। डीलरशिप को ज़्यादा कमीशन जो है वो ऑफर होगा इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से, और कस्टमर्स को जो होगा वो कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर होगा, तो अब कंपटीशन बढ़ेगी इंश्योरेंस में भी। दोस्तों ये तो थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और कार्स के रिलेटेड खबरें। अब देख लेते हैं कुछ टू व्हीलर्स के बारे में भी इंटरेस्टिंग न्यूज। दोस्तों लास्ट मंथ में बजाज ने लॉन्च कर दिया है प्लेटिना का थोड़ा और अफोर्डेबल मॉडल, और इसी के साथ अभी बजाज प्लानिंग में लगी है V12 और V15 की लाइनअप में और एक एडिशनल चेंज लेके आने में। और अगर आपको डिटेल में उसके बारे में कुछ जानना है तो आपको मिल जाएगा मेरे अगले न्यूज सेशन में, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगा कि दिसंबर तक अपनी पल्सर, एवेंजर और डोमिनर की रेंज में भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके बजाज आ सकती है। दोस्तों अगला जो अपडेट है वो है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। रॉयल एनफील्ड अपनी क्लासिक लाइनअप में 350 और 500 सीसी के बुलेट्स में कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके आ चुकी है। 350 मॉडल है उसके अंदर अभी आपको एक इंटरेस्टिंग कलर ऑप्शन भी मिल सकता है जिसका नाम है गन मेटल ग्रे। उसी के साथ साथ अभी रियर डिस्क ब्रेक भी रॉयल एनफील्ड बुलेट में आपको प्रोवाइड करके दे सकती है। उसी के साथ यहाँ पे 500 सीसी के बुलेट में अभी आपको मिल जाएगा एक और एडिशनल ऑप्शन जिसमें पूरा मैट ब्लैक फिनिश आपको मिल जाएगा। उसी के साथ यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात तो यह रहेगी कि अभी एग्जॉस्ट और जो रिम स्पॉक्स है वो भी आपको ब्लैक कलर में देखने को इस मॉडल में मिल जाएंगे। एडिशनली यहाँ पे सीट का जो कलर है वो भी डार्क टैन कलर में आपको ऑप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। दोस्तों बहुत टाइम से र्यूमर्स में रह चुके हैं होंडा के ग्रॉम और स्कूपी स्कूटर्स के लिए आपको बहुत सारी न्यूज़ मिल रही होगी, लेकिन अभी अभी फिलहाल मिस्टर YS गुलेरिया जो कि होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसके तहत उन्होंने इन्फॉर्म किया है जो स्कूटर्स और बाइक हम टेस्टिंग में लेते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि वही मॉडल वही स्पेसिफिकेशंस के साथ इंडिया में भी लॉन्च हो सके। हो सकता है हम वही स्कूटर कोई इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो और ये मार्केट के लिए हो ही ना। ऐसे में उन्होंने किस तरफ इशारा किया है वो आप और मैं अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तो ज़्यादा र्यूमर्स पे भरोसा मत कीजिए और ऑफिशियली कोई न्यूज़ को आने दीजिए। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो है TVS की तरफ से। TVS ने अपने विक्टर मॉडल में कुछ प्रीमियम अपग्रेड्स करके एक नया वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है। 55,065 रुपीस की एक्स शोरूम दिल्ली की प्राइस में लॉन्च हुआ ये बाइक कुछ अच्छे अपडेट्स लेके आपके सामने आया है। बेसिकली विक्टर के लिए मैंने कंप्लीट डिटेल्स इसलिए आपको शेयर नहीं की है कि ऑलरेडी ये लॉन्च हो चुका बाइक है, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत सारी कमेंट्स आती रहती है कि 50,000 के आसपास मुझे एक अच्छा कम्यूटर बाइक चाहिए और इसके लिए मुझे थोड़ी डिटेल्स दीजिए, तो उसी के रिलेटेड ये न्यूज़ का जो पार्ट है मैंने आपके लिए कवर किया है। दोस्तों 50 और 55,000 के आसपास की जो रेंज की बाइक्स है उसमें आपके पास बहुत ही कम अच्छे ऑप्शन है। वैसे तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है लेकिन अच्छे ऑप्शन बहुत ही कम है,
ऐसा ही एक अच्छा ऑप्शन आपके सामने है विक्टर का। ठीक ऐसे ही विक्टर अभी आपके सामने आने वाला है कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस, एडिशनली कुछ फर्स्ट इन क्लास फीचर्स जैसे कि LED DRLs के साथ। तो ऐसे बेहतरीन बाइक्स में जो एक बेहतरीन इंजन, बेहतरीन स्पेस और बेस्ट इन क्लास फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता हो, उसी के साथ साथ कुछ एडिशनल फीचर्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक्स भी आपको दे दे, तो ऐसे में बहुत अच्छा होगा आपको अपने पैसों में से पूरे पूरा वैल्यू फॉर मनी निकाल पाना। फाइनली दोस्तों, अगर आपने एंड तक ये वीडियो अभी तक देखा है तो आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज मैं लास्ट में लेके आया हूँ। लास्ट में इसलिए कि लास्ट तक देखने वाले व्यूअर्स को एक बोनस आइटम मिलनी चाहिए। ठीक उसी तरह मैं आपको इंटरेस्टिंग अपडेट देने वाला हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से। यस दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लाइनअप में ई अल्फा करके थ्री व्हीलर लॉन्च किया है। दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये थ्री व्हीलर्स के बारे में अभी आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेंज है महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास, वो इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट में मिलने वाली रेंज बन चुकी है। दोस्तों सारे सेगमेंट में महिंद्रा ने अपने पास एक मॉडल रखा है। अगर मैं बात करूं हैचबैक की तो आपके पास ऑप्शन है E2O का। अगर मैं बात करूं मिड साइज सेडान की तो आपके पास ऑप्शन है E-Verito का। अगर हम बात करें वैन सेगमेंट की तो आपके पास ऑप्शन है E-Supro का। और अगर हम बात करें थ्री व्हीलर की, जो महिंद्रा के पास फिलहाल के लिए नहीं था, अब उन्होंने लॉन्च कर दिया है, तो ये है E-Alpha। E-Alpha एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है महिंद्रा की तरफ से। और दोस्तों ये एक इशारा है, ऑल ईवी बाय 2030 का कॉन्सेप्ट तो अभी आपके सामने निकल के आया है, और महिंद्रा का इनोवेटिव और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विजन कितना अच्छा रहा होगा कि उन्होंने इतना पहले ये चीज़ सोच के रखी थी कि कभी ना कभी ये टाइम आने वाला है। तो अपने सारे वेरिएंट्स, अपने सारे सेगमेंट में एक एक कार कस्टमर को हम अभी से ही मार्केट में ऑफर करके दे सकते हैं। हालांकि महिंद्रा को इनिशियली इस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी उम्मीद रखता हूँ कि ये पॉजिटिव स्टेप को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आने वाले कुछ ही टाइम में देखने को मिलेगा। और वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कॉन्सेप्ट पे मैं पूरा एक वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो इसमें आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है, बस अपनी कमेंट सेक्शन में जाके छोटी सी कमेंट में लिख दीजिए कि हमको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर पूरा वीडियो चाहिए, और बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा आपके सामने आपका ही डिमांडेड वीडियो लेके आपके लिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए, अगर आपने लाइक और शेयर ये वीडियो को नहीं किया और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे एफर्ट्स को आप सराहें और अपनी राय जरूर दें कि आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं। इसी के साथ साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी किसी इनक्रेडिबल इन्फोज के साथ अपने इस इनक्रेडिबल चैनल में मैं जय दवे आपके सामने बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए चूज वाइज, ड्राइव सेफ और लिव इन क्रेडिबल, राइट? थैंक यू।